एएस होम क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं आमरस और तिल के आलू। इनके लिए हमें जो सामान चाहिए है वो है, आमरस बनाने के लिए हमें आम चाहिए है, दूध चाहिए है और शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से, और साथ में कुछ आइस क्यूब भी लेंगे हम। और तिल के आलू बनाने के लिए हमने ये उबले हुए आलू लिए हैं। इस तरह से हमने इन्हें छोटे पीसों में काट लिया है इस तरह से। और इसके साथ हम तिली लेंगे। तिली को हम हल्का भूनेंगे और दरदरा इसको पीस लेना है, जिसको कि हम आलू में डालेंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक नींबू और जीरा। तो चलिए पहले तिल के आलू बना लेते हैं, उसके बाद आमरस बनाएंगे। कढ़ाई में, सूखी कढ़ाई में ही हमें डालना है तिली और इसको हल्का भून लेना है हमें। और हल्की भुन जाने के बाद हमें मिक्सी में डाल के इसे दरदरा पीस लेंगे। महीन हमें नहीं करना है। तिल गर्म हो गया है, हम इसमें जीरा और खड़ी लाल मिर्च डाल देंगे। और जीरा के चटक जाने के बाद हम इसी में उबले हुए आलू हैं वो भी डाल देंगे। लेना है और हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए आलू अच्छे से हो गए हैं। अब हम इस पर तिली डाल देंगे। तिली डाल के हम इसे चला लेंगे अच्छे से। और तिली को अच्छे से चलाने के बाद ही हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। लीजिए हमारी तिल की चटनी सब्जी एकदम बनकर तैयार हो गई है। नींबू का रस डालने के बाद हम इसे आंच पर बहुत देर नहीं चढ़ाएंगे, बस इसको चलाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। चलिए अब बना लेते हैं आमरस। इसके लिए हमें आम लेना है। ये आम के गूदे हमने निकाल लिए हैं, इसको मिक्सी जार में हम डाल देंगे। साथ में डालेंगे कुछ आइस क्यूब्स, शक्कर, शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए जैसा मीठा आपको चाहिए हो। और साथ में हम इसमें दूध डालेंगे। अब हमें इसे अच्छे से चला लेना है मिक्सी जार में। ये देखिए हमारा आमरस और तिल के आलू बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।